दोस्तों स्वागत है आपका देखते हैं इस करंट अफेयर्स की इंपॉर्टेंट न्यूज को केरला की सरकार ने सोचा है कि वो पटिशन करेगा सुप्रीम कोर्ट को दैट द गवर्नर ऑफ द स्टेट इज नॉट फॉलोइंग हिज और हर कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटीज वो इसलिए क्योंकि केरला के गवर्नर ने कई सारे बिल्स के ऊपर एक साल या डेढ़ साल से भी ज्यादा समय में साइन नहीं किया है ही हैज नॉट गिवन द असेंट सेवरल बिल्स दैट है केरला लेजिस्लेटिव असेंबली और चीफ मिनिस्टर का यह भी कहना है कि जो केरला के, के गर, गवर्नर है श्री आरिफ मोहम्मद खान जी उन्होंने जो बिल पे साइन नहीं किया है इट इज अ सिग्नल ऑफ हिम डिफाइन द पीपल्स विल बिकॉज द पीपल हैड एक्सपेक्टेड दैट द गवर्नर विल फुलफिल द एस्पिशन ऑफ द पीपल बाय साइनिंग द बिल्स ऑफ दोज लेजिस्लेटर्स जिनको इलेक्शन के बाद वोट देके के केरला की असेंबली में भेजा गया देखिए आर्टिकल 200 अगर हम संविधान का देखें कॉन्स्टिट्यूशन का देखें तो वहां ये लिखा गया है कि स्टेट लेजिस्लेचर ने अगर कोई बिल पास पास किया है तो गवर्नर को उसे साइन करना है बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वहाँ पे कोई टाइम लिमिट नहीं दी गई एंड द लैक ऑफ टाइम लिमिट फॉर गिविंग दैट एक्शन और टेकिंग दैट एक्शन हैज लेड टू सेवरल कॉन्ट्रोवर्सीज ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन को देखें तो गवर्नर के पास चार ऑप्शन होते हैं किसी भी लेजिस्लेचर के बिल को लेके या तो गवर्नर उस बिल पर असेंट कर सकते हैं यानी सिग्नेचर कर सकते हैं जैसे ही वो सिग्नेचर करेंगे और वो बिल नेशनल गैजेट में या स्टेट गैजेट में सॉरी पब्लिश हो जाएगा तो उसे एक कानून का रूप दिया जाएगा इट विल बिकम एन एक्ट रिटर्न कर सकते हैं वो बिल को दूसरा ऑप्शन कि यदि गवर्नर को लगता है कि कोई पर्टिकुलर बिल में कुछ इश्यूज वो अमेंड करना चाहते हैं कुछ क्लॉजेस वो चेंज करवाना चाहते हैं तो वो उसे के लिए दोबारा भेज सकते हैं लेकिन रिकंसिडरेशन होने के बाद जब दोबारा वापस गवर्नर के पास बिल आता है तब उन्हें उसे साइन ही करना होगा ही कैन नॉट गिव इट बैक अगेन तीसरा ऑप्शन होता है दैट ही कैन ही और शी कैन रिजर्व द बिल फॉर द प्रेजिडेंट और ये एक यूनिक फीचर है जो गवर्नर के पास रहता है हमने तमिलनाडु के अंदर देखा कि नीट से जुड़ा जो बिल था जिसमें तमिलनाडु को नीट से एग्जेपन की डिमांड की गई थी नीट से एग्जेम्प्ट करने की बात की गई थी उस बिल को गवर्नर ऑफ तमिलनाडु ने बहुत देर तक साइन नहीं किया और बहुत देर के बाद फिर उसे प्रेजिडेंट को रेफर किया वैसा ही कुछ केरला में भी देखा जा रहा है बट रिजर्वेशन ऑफ द बिल फॉर द प्रेजिडेंट इज ऑल्सो पावर दैट द गवर्नर हैज तौर पे तब जब वो बिल स्टेट कोर्ट की पावर्स को एंडेंजर करता हो उसकी पोजीशन को एंडेंजर करता हो व्हेन दैट सॉर्ट ऑफ अ थिंग हैपेंस दैट इज कंपलसरी फॉर द गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द प्रेजिडेंट प्रेजिडेंट के पास फिर जब बिल चला जाए तो उसके बाद गवर्नर का रूल खत्म प्रेजिडेंट या तो साइन करेंगे या वापस रिकंसिडरेशन के लिए बिल को दोबारा भेजेंगे चौथा ऑप्शन है कि वो कुछ ना करें ठीक है चौथा ऑप्शन है कि वो कुछ ना करें जैसे कि पॉकेट वीटो की बात होती है ठीक है पॉकेट वीटो की बात होती है एंड लास्ट ऑप्शन इज विद होल्डिंग द असेंट विद होल्डिंग मतलब मना कर दे रिफ्यूज कर दे उस बिल को साइन करने से सो देर आर फाइव वेज इन विच द बिल कैन बी ट्रीटेड आफ्टर द गवर्नर हैज रिसीव्ड इट फ्रॉम द असेंबली अगर सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स की बात करते हैं तो बहुत सारे केसेस में ऑफ कोर्स सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया गया होगा क्योंकि गवर्नर स्टेट के अंदर सेंटर द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं सो इज ऑलवेज अ टसल बिटवीन द गवर्नर एंड द स्टेट गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना गवर्नर के केस में कहा था कि गवर्नर मस्ट एक्ट एज सुन एज पॉसिबल ऑन बिल्स अदर देन मनी बिल्स मनी बिल्स पे क्यों नहीं कहा क्योंकि मनी बिल्स पे वैसे भी वो रिफ्यूज ही नहीं कर सकते गिव असेंट ई कैनॉट रिफ्यूज दी केस तो बात हो रही है दो बिल्स विच आर नॉट मनी बिल्स की एज सुन एज पॉसिबल नाउ अगेन दिस इज ऑल्सो अग टेट लेजिस्लेचर के द्वारा पास किए गए बिल पे आपको जल्द से जल्द फैसला लेना है यह सुप्रीम कोर्ट ने कहा बट एज सुन एज पॉसिबल जो है इट इज नॉट क्लियरली डिफाइंड ठीक है ऐसा कहा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि वहां पर लिखा है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में एज सुन एज पॉसिबल तो इसका मतलब है कि जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए बट क्योंकि इसकी कोई डेफिनेट वैल्यू नहीं है क्योंकि इसकी कोई क्वांटिटेटिव वैल्यू नहीं है टाइम के टर्म्स में तो कई बार इसका मिस होता है रामेश्वर प्रसाद केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर गवर्नर को आर्टिकल 361 हंड्रेड क्लॉज नंबर वन के अंदर इम्यूनिटी मिली है दोस्तों जब आप फंडामेंटल राइट्स पढ़ते हैं तो वहां हम देखते हैं कि गवर्नर को एक इम्यूनिटी मिलती है प्रेसिडेंट को भी इम्यूनिटी मिलती है कि अपने कार्यकाल के दौरान अपने टेन्योर के दौरान जब वो कोई ऑफिशियल ड्यूटी करते हैं तो उसकी इंक्वायरी नहीं होती बट द द सुप्रीम कोर्ट हैज सेड दैट आर्टिकल थ्री के अंदर ये कोई हंड्रेड इम्यूनिटी नहीं मिली है गवर्नर को सो द रिफ्यूजल टू गिव असेंट टू द बिल और द रिफ्यूजल टू साइन अ पर्टिकुलर बिल कैन ऑल्सो चेक कैन ऑल्सो बी रिव्यूड बाय द जुडिशरी ऑन द ग्राउंड ऑफ मालिफाइड इंटेंट यानी कि गलत इंटेंशन से आर्बिटरी करना ये भी सुप्रीम कोर्ट के द्वारा रिव्यू किया जा सकता है ठीक है तो अल्टीमेटली जो ये बात चल रही है ये बहुत सारे स्टेट्स में देखी गई है 2017 में जब गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल ने बिल को रिफ्यूज कर दिया साइन करने से ठीक है

2023 में जो केरला का केस हमारे सामने है उसमें आठ बिल्स के ऊपर गवर्नर ने सिग्नेचर नहीं किया इंक्लूडिंग लोकायुक्ता अमेंडमेंट बिल जहां पे केरला लोकायुक्त की पावर्स को चेंज किया गया केरला यूनिवर्सिटी अमेंडमेंट बिल और ये बहुत सारे जो कानून पेंडिंग है एक लेजिस्लेटिव वैक्यूम क्रिएट करते हैं एक लेजिस्लेटिव पैरालिसिस भी क्रिएट कर सकते हैं और कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनिंग को हैम्पर कर सकते हैं काफ़ी समय से इसी वजह से देर इज बीन अ ग्रोइंग डिमांड कि एक टाइम लिमिट फिक्स कर दी जाए जिसके अंदर गवर्नर सिग्नेचर करें किसी भी पर्टिकुलर बिल के ऊपर अगर आप दूसरी कंट्री से इसे कंपेयर करते हैं तो यूके के अंदर क्वीन हु इज़ द हेड ऑफ़ द स्टेट हैज द पावर टू विद होल्ड और असेंट टू द पर्टिकुलर बिल बट प्रैक्टिस में देखा गया है कि वहाँ पे हमेशा क्वीन जो है पार्लियामेंट के पास किए गए बिल पास कर देती है ये जो कंपैरिजन है ये नेशनल लेवल पे हो रहा है बट हम बात कर रहे हैं गवर्नर्स की और गवर्नर्स हमारे स्टेट्स के अंदर रहते हैं ये भी बात ध्यान रखना है बट सिमिलर थिंग कैन बी सेट फॉर द प्रेजिडेंट एज वेल तो आप ये बताएं कि प्रेजिडेंट के केस में डिले क्यों नहीं आता है या प्रेजिडेंट के केस में ज्यादा क्रिएट क्यों नहीं होती है सिंपल रीजन मोस्ट ऑफ द टाइम्स प्रेजिडेंट इज अपॉइंटेड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट्स मतलब उनका जो नॉमिनी है अपॉइंटमेंट नहीं होती प्रेसिडेंट की इलेक्शन होता है बट उनका जो नॉमिनी है आमतौर पे वही प्रेसिडेंट बनते हैं और जब वही प्रेसिडेंट बनते हैं तो आमतौर पे इन जनरल प्रेजिडेंट जो है बिल्स पे असेंट साइन कर देते हैं देर द केस ऑफ डॉक्टर कलाम इन द केस ऑफ ज्ञानी जैल सिंह देर है वो सिग्नेचर करने से ज्यादातर मना नहीं करते हैं गवर्नर ऑन दी अदर हैंड इज अपॉइंटेड बाई द सेंटर और सेंटर के द्वारा जब स्टेट्स में एक व्यक्ति को भेजा जाता है तो उसे सेंटर का एजेंट माना जाता है और खास तौर पे जब स्टेट के अंदर अपोजिशन पार्टी की सरकार हो दिस कंट्रोवर्सी इराप्ट ठीक है तो जर्मनी के अंदर प्रेसिडेंट के पास ये पावर है सिमिलर पावर इज़ देयर द पावर टू रिटर्न द बिल ठीक है लेकिन ये पावर काफ़ी लिमिटेड है ऑस्ट्रेलिया में भी गवर्नर जनरल के पास ये पावर है लेकिन प्रैक्टिस में हमेशा ही ये साइन हुआ जाता है तो अगर मैं स्टेट लेवल की बात करूँ तो स्टेट लेवल पे बहुत ज़्यादा इस असेंटिंग uh, पावर का इस्तेमाल होता है इवन मिसयूज भी होता है कुछ कॉन्टेक्स्ट में तो आप मुझे बताइए कि क्या गवर्नर की इस असेंटिंग या सिग्नेचर करने की पावर पे लिमिट लगनी चाहिए क्या कोई टाइम लिमिट होनी चाहिए या फिर सिर्फ क्लियरली डिफाइंड पर्टिकुलर बिल्स के ऊपर उसे ये पावर मिलनी चाहिए कमेंट सेक्शन में जरूर मुझे बताएं दोस्तों साथ ही साथ मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारे सुपर सक्सेसफुल प्रिलिम्स क्रैश कोर्स यानी संभव क्रैश कोर्स के ऊपर जो अब दोबारा 2.0 नए और इंप्रूव्ड वर्जन में सीएससी 2024 के लिए आ रहा है डेली लाइव क्लासेस के साथ साथ कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज होगी तो प्रिलिम्स क्रैश कोर्स उन लोगों के लिए भी है जिन्होंने अभी सब्सटैंशियल पढ़ाई नहीं स्टार्ट की तो भी इट्स अ बाय सेवरल ऑफ टेस्ट कैंडिडेट्स बाय सेवरल ऑफ आर स्टूडेंट्स हु हैव स्टडीड विद अस इन द क्रैश कोर्स एंड हैव गेन्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज इन लिमिटेड अमाउंट ऑफ टाइम अलॉन्ग विद प्रैक्टिस ऑफ फुल टेस्ट साथ ही साथ CSAT की आपको यहां पे मास्टर क्लास मिलेगी टेस्ट मिलेंगे टिप्स एंड टेक्निक्स अलग से प्रलिम्स स्पेसिफिक टिप्स टेक्निक्स पढ़ाई जाएंगी बताई जाएंगी क्लास के अंदर ठीक है तो अगर आप इस कोर्स को सी सैट के साथ इंक्लूडिंग सी सैट एनरोल करते हैं वो भी ऑप्शन है विदाउट सी सैट एनरोल करते हैं वो भी ऑप्शन है आपके पास और इंडिविजुअल सब्जेक्ट यदि आपको लगता है कि किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में कुछ कमी है है ना या दो तीन सब्जेक्ट आपके कमज़ोर हैं, तो वो ऑप्शन भी आपके लिए अवेलेबल है यदि आप प्रिलिम्स 2024 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 20% परसेंट अर्ली बर्ड डिस्काउंट मिलेगा यह डिस्काउंट सिर्फ 10 अक्टूबर तक वैलिड है तो इन नंबर पे हमें कांटेक्ट करें इन ईमेल आईडी पे हमें कांटेक्ट करें इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन द कोर्स अदरवाइज यूट्यूब पर हम आपकी सेवा में हमेशा हाजिर हैं धन्यवाद